नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई मलेशिया से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, मलेशिया वाले भैया बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आ रहे थे, तो मलेशिया की मैं बता दूँ, लॉकडाउन, फिंगर आउट पास, वीज़ा, टिकट, फ्लाइट सबसे रिलेटेड कुछ सभी पॉइंटों पे हम बात कर लेंगे। दो तीन चार मिनट में पूरी डिटेल से बता देंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की अपडेट। अब मलेशिया में कोरोना के क्या हालचाल हैं उसी पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है। बता दूं अभी कोरोना की बात करें तो साथियों 15 अगस्त तक 9200 कोरोना केस, जी हां टोटल हैं 9200 ओनली। उनमें मौत की बात करें तो 125 लोगों की अभी तक डेथ हुई है, मात्र 125 लोग अभी तक कोरोना की वजह से मरे हैं। उनमें अगर रिकवरी की बात करें तो 8859 लोग रिकवर हो गए। तो भाई बच्चे कौन, मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि ये मलेशिया सरकार चाहती क्या है। लॉकडाउन लगा है मलेशिया में, पता आपको 31 अगस्त तक लॉकडाउन है मलेशिया में, जबकि रिकवरी संख्या है ही नहीं, रिकवर करना ही नहीं है किसी को। 9200 पॉजिटिव हैं, उनमें से बता दूं 9000 बंदों को रिकवर कर लिया, तो कौन बचे 200 लोगों के लिए पूरे मलेशिया को कैच करके रखा है मलेशियन सरकार ने। और मलेशियन सरकार के तो भाई पहले भी मैं वीडियो बनाता था, आपको सबको पता ही है, इतने घटिया सिस्टम उनका है, समझ में नहीं आता कि जो दुनिया नहीं करती है वो मलेशिया सरकार करती है, ये तय बात है। और मैं बता दूं भाई इस चैनल पे मलेशिया से रिलेटेड अब आगे वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ गल्फ कंट्रीज़ के लिए मैंने रखा है। यूरोपीय कंट्री मलेशिया गल्फ में नहीं आता, ये सिंगापुर इधर दूसरी कंट्रीज़ का मैंने चैनल दूसरा बनाया है, लिंक वीडियो के नीचे छोड़ दूंगा। आगे हर रोज़ मलेशिया से रिलेटेड अपडेट लेने के लिए उसी चैनल पे आपको आना होगा। ये लास्ट वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मलेशिया से रिलेटेड इस पर बहुत सारे जुड़े हुए बंदे हैं, तो आपको पता लग जाएगी। भाई दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, आज के बाद इस चैनल पर मलेशिया से रिलेटेड वीडियो नहीं आएगा, सिर्फ गल्फ कंट्रीज हैं उसके लिए आएगा। और यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, जितने भी, वो दूसरे चैनल पे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप समझ गए होंगे, चैनल जाके वीडियो के नीचे सब्सक्राइब जरूर कर ले। फ्लाइट से रिलेटेड तो भाई फ्लाइट वंदे भारत 5 का जो शेड्यूल है वो ही चल रहा है, उसके अलावा कोई शेड्यूल है नहीं। और इंडिया से भी मलेशिया का कोई शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, और उधर से भी जो वंदे भारत मिशन में थोड़ी बहुत फ्लाइटें हैं वही हैं, उसके अलावा अभी तक कोई फ्लाइटों का ऑप्शन नहीं है। इलीगल वर्कर हैं उनका तो कोई है नहीं, जो वर्क परमिट है वो भैया फ्लाइट के द्वारा आप आ सकते। वीज़ा से रिलेटेड बता दें भैया, देखिए अभी तो वीज़ा का कोई नामो निशान नहीं है, जी हाँ, और अगस्त के बाद में कुछ अपडेट आता है तो मैं बताऊंगा। अभी तक वीज़ा बंद है, मैंने एक वीडियो पहले बनाया था कि मलेशिया का वीज़ा दे दिया 5-7 दिन में, सब कुछ प्रोसेस ही कर दिया, जबकि मलेशिया का वीज़ा बंद है, वीज़ा नहीं मिल रहे हैं, फिर भी लोग वीज़ा दे देते हैं, कैसे देते हैं वो तो वो जाने। तो वीज़ा का इंडिया से कोई भी तरह का वीज़ा अभी अपडेट नहीं है, और लॉकडाउन के बाद में सरकार नया नोटिफिकेशन जारी करेगी तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। अच्छी न्यूज़ ये है, जो इलीगल थे मलेशिया में, जी हाँ साथियों, अभी जो बच्चे हैं बहुत कम लोग बच्चे हैं, इलीगल वर्कर थे, उनके पास वीज़ा नहीं था, उसके पास अगस्त के बाद में घोषणा हालांकि हो चुकी है, अगस्त के बाद में सरकार प्रोग्राम चलाएगी वीज़ा से रिलेटेड, जिसको आप बोल सकते हैं फिंगर। जी हां साथियों, ये जो पहले बनते थे ना माई जी कार्ड वगैरह, वो बहुत सारे कार्ड बनते थे, वैसा सरकार एक बार एक अभियान चलाएगी जिसमें वहां पे जो इलीगल वर्कर हैं वो वीज़ा लगवा लें और मोटा पैसा सरकार को दे दें ताकि उनका खजाना भर जाए, ये ऑप्शन सरकार ने रखा है। बहुत अभी उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि कितनी तारीख से स्टार्ट होगा, मुझे लगता है 31 अगस्त बाद ही होगा, जबकि ये घोषणा हो चुकी है कि जो इलीगल वर्कर हैं वो वहाँ पे कंपनियाँ उनका फिंगर करवा के वीज़ा अप्लाई करवाएगी। जी हाँ साथी, आउट पास की बात कर लें तो भैया कोई ऑप्शन नहीं है आउट पास का, जो पिछले 7-8-10 महीने से बंद ही पड़ा है, अभी तक आउट पास का ओपन सरकार ने नहीं किया है, और अगस्त के बाद भी मुझे नहीं लगता आउट पास करेगी, क्योंकि अगर आउट पास सरकार ओपन कर देगी तो वहाँ वीज़ा कौन लगवाएगा, सरकार को आमदनी कैसी होगी, क्यों आउट पास में कम आमदनी होती है, वीज़ा का 1500-2000 दराम आरम लगता है, तो उसमें ज़्यादा इनकम होगी ना सरकार को, तो मुझे नहीं लगता आउट पास ओपन करेगी। आउट पास का कोई ऑप्शन नहीं है, रिहायरिंग का ऑप्शन है, वहाँ इलीगल वर्कर हैं वो वीज़ा लगवा सकते हैं अगस्त के बाद में। बस ये 5 अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल नीचे दूसरे वाला सब्सक्राइब करके रखें ताकि मलेशिया से रिलेटेड उस चैनल पर आपको जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।